अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी नुख से मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। मैं आज फिर अपने भाइयों के लिए घरेलू और आसान सा नुस्खा लेके आता हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि देसी नुख से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखें, मैं जितने भी नुस्खे लेके आता हूँ घरेलू होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि घरेलू है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैं जितने भी ऑयल बना रहा हूँ सब के लिए नफ्स की कमज़ोरी के लिए होते हैं, उनसे फ़ायदा होता है। नफ्स जिनका नफ्स ढीला है, कमज़ोर है, तनाव नहीं होता, ये सिर्फ उन भाइयों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए से फ़ायदा होंगे। इनमें सिर्फ आपने भी दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लेना है जैतून और अदरक। अदरक हमारे घर में आम इस्तेमाल होता है, हम सब दोस्तों भाइयों के घरों में इस्तेमाल होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने जैतून को किसी बर्तन में डाल लेना है। उसको अच्छे से गर्म करने के बाद अदरक उसमें अच्छे से किसी चीज़ से ग्राइंड करके दबा के उसको उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पका लेना, मुमकिन 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक आपने इसको पकाते रहना है। जब ये अच्छे से पक जाए, अदरक इसके अंदर जल जाए, आपने इसको नीचे उतार लेना है। याद रखें, नीचे उतारने के बाद आपने कम से कम इसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देना है। इसको आपने 1 से 2 दिन के छोड़ने के बाद फिर आपने रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो, दिन में भी लगा सकते हो। दिन में इसलिए नहीं लगा सकते कि आप चलते फिरते रहोगे, कपड़े में लगेंगे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सोने से पहले इसको लगा के अच्छे से मालिश करें। इसकी ज़्यादा मालिश नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 मिनट मालिश करनी है। सुबह आपने उठ के अच्छे से नीम गर्म पानी से इसको धो लेना है। याद रखें, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हल्का हल्के से मसाज करनी है, आगे वाला हिस्सा छोड़ के मसाज करनी है। ये मेरे उन भाइयों के लिए जिनका बहुत ही नफ़स बिल्कुल से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये उन भाइयों के लिए है। ये मेरे भाई इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह जो आपकी टाइमिंग में इजाफ़ा भी होगा, तनाव बढ़ेगा, शक्तिपन आएगी, उसके बाद मोटा होगा। आप इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पहले जितने भी नुस्खे हैं मेरे भाई साहब इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे बहुत अच्छा सा फ़ायदा होता है। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और नई अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएँ, मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।